गुड मॉर्निंग बच्चों, सॉरी टू से एक हफ्ते बाद लेकर आया हूं मैं वीडियोस, बिकॉज मैं था होम आइसोलेशन के अंदर। थोड़ा सा सिम्टम्स थे कोरोना के, हैं तो हल्के से, अब भी फीवर है हल्का सा, लेकिन पहले से मच बेटर है। एक फ्रेंड था कोरोना पॉजिटिव हो गया, उसके कांटेक्ट में आ गया था, टेस्ट तो नहीं कराया लेकिन कुछ सिम्टम्स हो रहे थे, तो होम आइसोलेशन में एक ही रूम के अंदर पैकअप हूँ। आज इस अपने व्हाइट बोर्ड वाले रूम में आया हूँ, तो आपकी याद आ गई तो वीडियोज स्टार्ट कर दिए हैं। वीडियोज आज से बनाना, आज फर्स्ट वीडियो है एक हफ्ते बाद का। तो मुझे होप है लास्ट टाइम हम थे किस जगह एग्जैक्टली, सर्कुलर कॉइल थी आपके पास जिसके सेंटर पे आपने निकाला था मैग्नेटिक फील्ड बच्चों। तो बच्चों आज हम निकालने जा रहे हैं फिर से उसी सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर ही मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन वो सेंटर से पॉइंट इस एक्सिस पर है, इस एक्सिस पर। ये मेरी प्यारी सी टेप है, सेलो टेप। तो इसके सेंटर से इस एक्सिस पर कहीं पर हम निकालने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड। आपको याद होगा फर्स्ट चैप्टर में भी मैंने ऐसा ही कुछ कराया था, वहां पर हमने निकाली थी इलेक्ट्रिक फील्ड और यहां पर हम निकालने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों ध्यान रखना, ये जो हम सर्कुलर लूप रखेंगे ये ऐसे नहीं रखेंगे, अगर हम ऐसे रखेंगे तो फिर वो एक्सिस ऐसे हो जाएगी और डायग्राम बनाना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए हम इस सर्कुलर कॉइल को बच्चों ऐसे रख रहे हैं। जब हम ऐसे रखेंगे तो बाकी सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, केवल लूप को हम कंप्लीट नहीं ड्रॉ कर सकते, वो हमारे लिए कोई बड़ा इशू नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का टॉपिक जो है मैग्नेटिक फील्ड। मैं यहां पर टॉपिक लिख देता हूं मैग्नेटिक फील्ड। At a point on the axis of a circular coil carrying current। Topic ही काफी लंबा है, करते हैं बच्चों स्टार्ट। आज थोड़ा एनर्जी लेवल भी मेरा डाउन रहेगा तो प्लीज डोंट माइंड। ये इस तरीके से हमारे पास है सर्कुलर कॉइल। तो सर्कुलर कॉइल को बच्चों हम ऐसे ही बनाते हैं। ये हो गई हमारे पास सर्कुलर कॉइल, ये हो गया इसका पीछे का हिस्सा, ये हो गया इसका पीछे का हिस्सा, ऐसे। ये हमारे पास बच्चों सर्कुलर कॉइल हो गई। एक बार मैं इसको रब करके दोबारा बनाता हूं, अच्छी सी नहीं बनी, थोड़ी सी ओवल शेप में बनेगी बच्चों ये। हाँ ये मच बेटर, ये मच बेटर। इस तरीके से हमारे पास ये है। तो ये आप ऐसे कंसीडर करो, ये हिस्सा है पीछे का और ये हिस्सा है बच्चों आगे का। इसके अंदर बच्चों करंट फ्लो हो रहा है आई, इसकी रेडियस आपने मान ली ए, ये पॉइंट मान लिया ए और ये पॉइंट मान लिया बी। बिल्कुल उसी की तरह डेरिवेशन है, केवल एक लॉजिक, सिर्फ एक लॉजिक वेरी करेगा, वो देख लेते हैं क्या वेरी करेगा। हमें इस एक्सिस पर निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड। ये एंगल मान लिया आपने थीटा, थीटा ना मानकर इसको डिफरेंट मानते हैं कि थीटा तो इसके अंदर पहले से ही होता है, इसको हमने मान लिया फाई। ये सेंटर हो गया ओ और ये हो गया पॉइंट पी जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ये हो गया आपके पास, ये जब एक्सिस ऐसे है, ये जब कॉइल ऐसे है, तो इस पर जो डीएल होगा वो ऐसा होगा, इस तरीके से ये होगा इसका डीएल। ये ऐसे अगर रखी होगी तो ये होगा इसका डीएल। छोटा सा एलिमेंट लेंगे तो इसके ऊपर टेंजेंट टाइप का होगा, ये होगा इसका बच्चों डीएल। तो आगे की तरफ होगा इसका डीएल, पीछे की तरफ होगा इसका डीएल। तो ऐसे बात समझते हैं बच्चों, आपको याद होगा बायोट सेवार्ट लॉ में आप लोगों ने पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई इंटू आई डीएल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर होती है। म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर होती है। ये थीटा जो होता है बच्चों, ये किस किस के बीच का डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस हमने मान लिया x और ये डिस्टेंस मान लिया आपने r, और ये r 90 के अकॉर्डिंग कितना आएगा, ये आएगा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पे रूट। हम बच्चों इसको भी ऑलमोस्ट 90 ही कंसिडर करेंगे। आप लोग बोलोगे कि एक ट्राइंगल में सर 290 तो पॉसिबल नहीं है। अगर ये एंगल हमारा अप्रोक्सीमेटली जीरो हो जाए, बहुत छोटा हो जाए, ऐसी कंडीशन में हमारे पास ये दोनों 90 ही बनने वाले।
और ये पॉइंट हमारा, ये जो एंगल होता है, ये बहुत 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 छोटा होता है। तो यहां पर होगा आपके पास डीएल, मैं डीएल लिख देता हूं, ये हो गया आपके पास आर, और डीएल और आर के बीच में जो एंगल बना बच्चों वो बना 90 का। आपको एक बात मैंने और बताई थी, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो डीएल और आर के दोनों के ही परपेंडिकुलर होती है। अब देखिए ध्यान से, ये मैं अपने तीन मार्कर उठा लेता हूं, डीएल हो गया ऐसा, आर हो गया ऐसा, तो बताइए हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कहां जाएगी? मैग्नेटिक फील्ड जाएगी इस तरीके से, तीनों एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ये देखिए इस तरीके से, ये ज्यादा आपको बेटर नजर आ रहा है। ये हो गया डीएल, ये हो गया आर, और ये हो गया म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब देखिए बच्चों, अगर मैं आर को झुकाऊंगा तो क्या ये मैग्नेटिक फील्ड भी झुक जाएगी? ना, डीएल ऐसा ही है, अगर मैंने आर को लिटिल बिट झुका दिया तो मैग्नेटिक फील्ड भी आपकी झुक जाएगी, लेकिन रहेगी हमेशा परपेंडिकुलर। तो अगर ये मेरा आर झुक गया तो मैग्नेटिक फील्ड जो सीधी जा रही थी, जब ये आर सीधा था मैग्नेटिक फील्ड ऐसे थी, अब ये आर झुक गया तो मैग्नेटिक फील्ड भी झुक जाएगी, लेकिन रहेगी इस लाइन पर परपेंडिकुलर, रहेगी नीचे वाले के लिए इस लाइन पर भी परपेंडिकुलर, ऐसे बच्चों। इसकी वैल्यू हो गई डीबी, इस फॉर्मूले से इसकी वैल्यू भी हो गई डीबी। इस डीबी को बच्चों आपने दो पार्ट्स में रिजॉल्व कर लिया, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, ऐसे। अब बच्चों ध्यान से देखो, इस वाली लाइन पर ओपी, ये जो ओपी है, इस ओपी पर ये परपेंडिकुलर है, इस ओपी पर ये परपेंडिकुलर है, और इस एपी पर, इस एपी पर ये परपेंडिकुलर है डीबी। ये एंगल अगर फाइव बना है, ये पूरा है 90, तो ऊपर बचेगा 90 माइनस फाइव। अब ये 90 माइनस फाइव है और ये अगेन से 90 है, तो ये कितना बचेगा? 90 माइनस 90 माइनस फाइव, तो ये कितना बचेगा? फाइव। तो इसको ऐसे समझते हैं कि जब भी ये इस पर परपेंडिकुलर, ये इस पर परपेंडिकुलर, ये अगर थीटा है, इसको छोड़ दो, फिर से थीटा, एक को छोड़ दो, फिर से थीटा, एक को छोड़ दो, फिर से थीटा, इस तरीके से म्यूचुअल परपेंडिकुलर के अंदर हमारे पास काम चलते हैं। 11th क्लास के अंदर मैंने इसको डिस्कस करा हुआ भी है, बैंकिंग ऑफ रोड्स के अंदर, आप चाहो तो मेरी वहां पर वीडियो जाके ब्राउज कर सकते हैं। तो फाइनली बच्चों आपके पास क्या हुआ, ये अगर फाइव है, इसको छोड़ दिया, तो ये वाला भी आपके पास कितना बना? फाइव। और आपको याद होगा कि जिसके साथ एंगल बनते हैं वो होता है कॉस का, और जिसके साथ एंगल नहीं बनते हैं वो होता है साइन का। तो ये बना डीबी कॉस फाइव, ये बना डीबी कॉस फाइव, और ये बना डीबी साइन फाइव, और डीबी साइन फाइव। तो आप देख रहे हैं बच्चों ध्यान से, db cos phi ने db cos phi को कैंसिल आउट कर दिया, हमारे पास जो रिमेनिंग रह गए वो db sin phi रह गए। इन दोनों की वजह से db sin phi है, इसके साथ में जो पड़ोस में कोई एक और दूसरा dl होगा तो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट सबके होंगे। कहां गई मेरी सेलो टेप? आई थिंक वो खो गई है। तो आप ध्यान से देखिए, इसके अपोजिट ये होगा, इसके अपोजिट ये होगा, इसके अपोजिट ये होगा, सभी एक दूसरे के अपोजिट हैं। ऐसे देखिए, इसके अपोजिट ये है, इसके अपोजिट ये है, तो पूरी रिंग के लिए हम फाइनली क्या कर देंगे, इन सब छोटे छोटे एलिमेंट्स के कंट्रीब्यूशन को ऐड कर देंगे। तो यहां पर हमारे पास वही आया बच्चों कि db इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई dl sin थीटा। और जैसा कि आपको मैंने बताया, थीटा की वैल्यू हमने यहां पर कितनी ली है? 90 डिग्री। थीटा की वैल्यू हमने ली है 90 डिग्री, और आर हमने क्या लिया है? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के रूट। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से ये छोटी सी डेरिवेशन, जो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आगे हम बहुत सारी चीजें ऐसे पढ़ेंगे जहां पर इसका फाइनल रिजल्ट काम में आएगा और इसकी डेरिवेशन का सारा कंसेप्ट काम में आएगा। तो इस डेरिवेशन को आप अपने ब्रेन में अच्छी तरह ठूस लेना ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो बच्चों फाइनल जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड, पहले हम डीबी की वैल्यू लिख देते हैं, जो आएगी म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डीएल साइन 90 अपॉन में इसका स्क्वायर। ये हो गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे रूट का स्क्वायर। तो डीबी बच्चों आपके पास आ गई म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 90 साइन 91 होता है, तो आपके पास बचा आईडीएल
अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपको मैंने बोला था जो पूरी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो सारे के सारे डीबी साइन फाइव वाले जो कंपोनेंट्स हैं उनका एडिशन होगा, या फिर जब सारे के सारे बहुत छोटे छोटे कर दिए जाएंगे तो हम बोलेंगे इंटीग्रेट कर दिया। तो फाइनली जो बी आपके पास आएगी वो होगी ये सारे के सारे जो डीबी साइन फाइव वाले हैं इनका सिग्मा, या बोला जाए तो इंटीग्रेशन। तो बी आपके पास निकल के आया, इंटीग्रेशन कर दिया, ये डीबी पुट करा म्यू नॉट अपॉन में फोर पाई आई डी एल, साथ में लिख दिया साइन फाई अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों देखिए ध्यान से, म्यू नॉट अपॉन में फोर पाई कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, साइन फाई की वैल्यू यहां से ले लेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ये हमारे पास कांस्टेंट है, यहां पर मैं लिख देता हूं स्पेस थोड़ा सा कम है। तो बी आपके पास बच्चों कितना आया, म्यू नॉट अपॉन में फोर पाई कॉमन ले लिया, आई कॉमन ले लिया, साइन फाई की वैल्यू हो गई परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे रूट, इंटीग्रेशन में अंदर बचा डीएल और नीचे एक बार ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और था वो हमने लिख दिया यहां पर। अब ध्यान से देखिए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पूरा है, पावर एक है, ये अधूरा है, आधा है, तो पूरा और अधूरा मिलकर हो गया थ्री बाय टू। और डीएल जो है हमारा डीएल 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 ये सारा ऐड होता चला जाएगा तो हमें मिलेगा सर्कमफेरेंस ऑफ द रिंग और वो है हमारे पास 2 पाई ए, 2 पाई आर होती है, यहां पर हमने ए ली है तो हमारे पास ये, मैं फिगर थोड़ी सी रख कर रहा हूं आप लोग ध्यान रखिएगा। तो बच्चों फाइनली आपके पास बी की वैल्यू कितनी आई, ये आई म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई इंटू I into A into 2 pi A upon में A square plus X square की power 3 by 2। हम चाहे तो यहाँ पर pi से pi cancel out कर सकते हैं लेकिन हम करते नहीं है क्योंकि आमतौर पर mu not upon में mu not upon में 4 pi की जो value होती है वो 10 की power minus 7 होती है, बाकी हम values put कर लेंगे तो हम इसको इतना ही छोड़ देंगे। तो finally आपके पास magnetic field की value कितनी आई, ये होती है म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई इनटू 2 पाई आई ए स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3 बाय 2। ये आपका फाइनल रिजल्ट निकल के आया बच्चों। इसमें हम एक स्पेशल केस ले लेते हैं, एक्चुअली दो स्पेशल केस ले लेते हैं। क्या है वो दो स्पेशल केस, कि अगर ये पॉइंट पी जो है ये कहां आ जाए बच्चों, सेंटर पे आ जाए। जब ये पॉइंट पी सेंटर पे आएगा तो एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो हम यहां पर लिखेंगे केस इफ पी इज एट सेंटर। अगर पी सेंटर पे हुआ बच्चों एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी, ए की पावर टू है और उसकी पावर थ्री बाय टू है। म्यू नॉट अपॉन में फोर पाई इंटू टू पाई आई ए स्क्वायर अपॉन में ए की पावर टू और उसकी पावर 3 बाय 2, ए की पावर 3 बचा, दो कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास ये बचा म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई इनटू 2 पाई आई अपॉन में ए। और यही हमने पढ़ा था सर्कुलर रिंग के सेंटर पे भी। दूसरा केस है अगर ये पी कहीं बहुत दूर चला जाए तो एक्स बहुत बड़ा हो जाएगा, एक्स की तुलना में ए को हम नेगलेक्ट कर देंगे। जब ए हमारा नेगलेक्ट हो जाएगा तो यहां पर बचेगा एक्स की पावर 3, यहां पर बचेगा बच्चों x की पावर 3। तो केस सेकंड है p फार अवे, p आपका बहुत दूर चला गया और ऐसी कंडीशन में x जो है वो बहुत बड़ा हो गया a से और b की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई इंटू 2 पाई आई ए स्क्वायर 2 पाई आई ए स्क्वायर अपॉन में x की पावर 3। तो ये थी आपकी आज की डेरिवेशन, होप सो आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं, उसका आपको सॉल्यूशन डेफिनेटली दिया जाएगा। टिल देन गुड बाय।